नमस्कार, आप देख रहे हैं स्काईनेट टीवी इंडिया। इंदौर में चल रहे 51 लाख पौधारोपण अभियान में आज रविवार को बीएसएफ बिजासन क्षेत्र में पौधे लगाए गए। एक पौधा मां के नाम से आयोजित समारोह में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, केंद्रीय वन मंत्री भूपेंद्र यादव शामिल हुए। मुख्यमंत्री ने सुबह 11 बजे राजवाड़ा पर माँ अहिल्या की मूर्ति पर माल्यार्पण कर एक पौधा माँ के नाम बृहद वृक्षारोपण अभियान का शुभारम्भ किया। बिजासन पर 15,000 महिलाओं द्वारा 1 लाख पौधा रोपण कर स्थान को मातृ वन का नाम दिया जाएगा। पौधारोपण के पहले मुख्यमंत्री मोहन यादव, केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव, मंत्री कैलाश विजयवर्गीय, मंत्री तुलसी सिलावट, महापौर पुष्मित्र भार्गव ने राजवाड़ा पर माँ अहिल्या की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि यह हमारे लिए बड़ी ही खुशी की बात है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पर्यावरण संरक्षण के लिए एक पेड़ माँ के नाम अभियान की शुरुआत की है। इस अभियान के तहत पूरे प्रदेश भर में 5.5 करोड़ पौधों का रोपण किया जा रहा है। यह गर्व का विषय है कि इंदौर शहर और पूरे जिले में 51 लाख पौधे लगाए जाने का काम शुरू किया गया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में वृक्षारोपण अभियान एक जन अभियान का रूप ले रहा है। इसमें समाज के हर वर्ग की सक्रिय सहभागिता सामने आ रही है। वहीं मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने संबोधित करते हुए कहा कि इंदौर के ग्रीन कवरेज को बढ़ाया जाएगा। उन्होंने कहा 51 लाख वृक्षों के रोपण के साथ उनके संरक्षण के लिए भी विशेष प्रयास किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि विभिन्न समाजों एवं संस्थाओं द्वारा वृक्षारोपण करते हुए उनके संरक्षण की जिम्मेदारी ली जा रही है। देखिए ये रिपोर्ट। आज इस अवसर पर खास करके हम सब जानते हैं हमारे यहाँ इस देश में पर्यावरण के साथ जीने की आदिकाल से परंपरा, और मैं तो इसका वो ज्यादा महत्व इसलिए भी मानता हूँ कि उज्जैन की पहचान दुनिया में माँ क्षेत्रादी से है। लेकिन क्षेत्रादी अगर निकली तो इंदौर से निकली है, तो ये वन लगने से, पेड़ लगने से क्षेत्रादी की धारा प्रवाहित होती बाबा महाकाल की नगरी तक, तो जोरदार अभिनंदन करें महाकाल के उस संबंध के कारण से। और अकेले क्षेत्रादी हम भाग्यशाली है, चंबल बड़ी विशाल नदी, चंबल गंभीर 7 नदियां इंदौर जिले से निकलती, 7 नदियों का उत्पन्न का ये क्षेत्र इंदौर अलग अलग कारण से अपनी विशेषता लिए पूरे देश में पहचान बना रहा है। स्वच्छता में नंबर 1, अब ये ग्रीन सिटी में नंबर 1 आ रही है। मैं शुभकामना देता हूँ, बधाई देता हूँ। संसदीय सांसद जी आपका भी अभिनंदन है। यशस्वी प्रधानमंत्री ने एक पेड़ माँ के नाम का आह्वान क्या किया, मुझे इस बात का भी संतोष है। मेरी अपनी माता जी के चित्र पर भी माल्यार्पण करके माननीय कैलाश ने अपनी माता जी के चित्र पर माल्यार्पण करके जो प्रधानमंत्री जी की मन की भावना है, और इसके शुक्रगुजार तो माननीय भूपेंद्र सिंह जी हैं। आपने सबसे पहले प्रधानमंत्री के माध्यम से पेड़ क्या लगवाया, पूरा देश एक तरह से आपके उस आह्वान में आगे लग गया है। माननीय भूपेंद्र जी का एक और संबंध है, मैं मध्यप्रदेश की ओर से आपका आभार भी मानता हूँ। इस पूरे एशिया महाद्वीप से चीते लुप्त हो गए, लेकिन चीतों को लाने के लिए मध्य प्रदेश को गौरवान्वित करने का मौका भी माननीय भूपेंद्र सिंह जी के माध्यम से मिला। 2040 बजाय आज हमारे अपने देश के अंदर पालनपुर पुनो में चीता प्रोजेक्ट जो चल रहा है, वो चीते लाने का पूरी कल्पना, पूरा अभियान माननीय भूपेंद्र सिंह जी के माध्यम से संपन्न हुआ। भारतीय संस्कृति की विशेषता है, हजारों साल से ये प्रकृति पूजक समाज हमारी अपनी उस विशेषता के कारण से जाना जाता है। जैसे ऋषि मुनियों के कारण से मानवता धन्य होती है, ये जीवित ऋषि मुनि करें अपनी साधना से, अपनी तपस्या से, अपनी उपस्थिति से समुचित प्रकृति को आशीर्वाद देते हैं। मेरी अपनी ओर से 14 तारीख तक चलने वाले इस पूरे अभियान को मैं जिला प्रशासन सहित सबको बधाई देना चाहूंगा। बीएसएफ को, एसएफ को, सभी फोर्स के जवानों को जिनके माध्यम से पूरा आयोजन हो रहा है। उम्मीद कर रहे हैं कि जितने बड़ी साइज के पौधे लग रहे हैं, इन पौधों के लगने के बाद अगली बार ही और ऐसे पौधे लगे तो निश्चित रूप से पूरे देश की नंबर 1 सिटी, ग्रीन सिटी इंदौर बनेगी। ये शुभकामना देते हुए मेरी बात समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। ये देश भर नहीं, दुनिया भर के लिए अभियान की शुरुआत करें।
धरती की हरियाली को उजाड़ दिया। आप कितनी ही वैज्ञानिक तरक्की कर लो पर आप खाने का फूड जो आप भोजन ग्रहण करेंगे वो प्रकृति से ही आता है। मनुष्य कितनी भी तरक्की कर ले पर दवाइयों का जब लास्ट एलिमेंट होता है वो प्रकृति से ही आता है। जो ऑयल है वो धरती से ही आता है, जो एनर्जी का रिसोर्स है वो धरती से ही आता है और इंसान जो सुंदर बनने के लिए कॉस्मेटिक का उपयोग करता है वो भी प्रकृति से ही प्राप्त होता है। प्रकृति जब इतने उपहार के रूप में हमको जीवन की चीजें देती है उस प्रकृति को हम लौटाते क्या है? हम लौटाते हैं खराब वायु, खराब जल और कटे के पेड़। और इस धरती पर इंसान के नाते हम तो आए हैं, धरती पर हमें जो आज ये इंसान का जन्म मिला है ये देने का काम हमारी माँ ने किया। एक माँ ने हमको जन्म दिया है और दूसरी धरती पर हमको जीवन जीने के साधन प्रदान कर रहे हैं। और इसलिए अपनी माँ के प्रति सम्मान, जीवन देने वाली माँ के प्रति नमन करने के लिए ये जीवन का सबसे अच्छा रिटर्न गिफ्ट हो सकता है कि अपनी माँ के नाम पर हम धरती पर कम से कम एक पेड़ लगाए, अपनी माँ के प्रति अपने सम्मान को प्रदर्शित करें और धरती माँ को हरा भरा करने का काम। हम सब लोग वंदे मातरम गाते हैं लेकिन वंदे मातरम की जो अगली लाइन है वो सच्चे सानंद मातरम है। हरी भरी धरती पर धरती से मिलने वाला जो जीवन का सुख है वो सबसे बड़ा है। और ये भी मान करके चलना कि ये धरती केवल इंसान के लिए नहीं है, अगर पेड़ लगाते हैं तो पशु पक्षी सब लोगों के लिए हवा पानी और भोजन उपलब्ध होता है। मुझे ये जान करके और देखकर खुशी हुई है कि मध्य प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में प्रधानमंत्री जी के इस आह्वान को आगे बढ़ाने का काम किया है और मध्य प्रदेश को नर्मदा जी का मुख्य प्रवाह क्षेत्र है। मेरे को ऐसा लगता है और माननीय मुख्यमंत्री जी बता भी रहे थे कि नर्मदा जी के आने वाली जितनी भी छोटी बड़ी नदियां हैं वहाँ सभी जगह पर पेड़ लगा करके आगे बढ़ने का कार्य और इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का कार्य किया जाएगा। और विशेष रूप से मैं इंदौर में माननीय कैलाश जी और पूरी टीम को बधाई देना चाहूँगा कि क्लीन इंदौर के साथ साथ जो ग्रीन इंदौर बनाने का उन्होंने संकल्प किया है ये एक पेड़ माँ के नाम का सबसे सफल कार्यक्रम है। पर इसके लिए मैं पूरी टीम को बधाई देना चाहता हूँ। भारत शासन के वन और पर्यावरण मंत्री जिन्होंने पर्यावरण दिवस पर माननीय प्रधानमंत्री जी से एक वृक्ष लगवाया और वहीं से प्रधानमंत्री ने संदेश दिया था कि एक पेड़ माँ के नाम 140 करोड़ लोग लगाएं, इस पूरे 51 लाख पेड़ के ड्राइव के ड्राइवर और इस शहर के शानदार महापौर आदरणीय पुष्पमित्र भार्गव जी के लिए भी जरा तालियां बजाकर स्वागत करें। हमारे कॉर्नर में बीएसएफ के तो आईजी बैठे हुए, इनके सहयोग बिना ये 51 लाख लक्ष्य पूरा नहीं होता। इसे दोनों आईजी के लिए ताली बजाइए जरा। मुझे बहुत गर्व है कि इंदौर क्लीन सिटी के नाम से जाना जाता है पर इसका ग्रीन कवरेज बहुत कम था। लगभग हम 17वें नंबर पर हैं और हमारा ग्रीन कवरेज 9 है। माननीय मुख्यमंत्री जी, हम प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन पे और आपके नेतृत्व में आने वाले 5 साल में ग्रीन कवरेज में इंदौर नंबर 1 हो इसका प्रयास करेंगे और 9 से 25 तक ले जाने की कोशिश करेंगे। ये 51 लाख ड्राइव सिर्फ 1 साल का नहीं, इनके संरक्षण की भी जवाबदारी ले रहे। हमने और महापौर जी ने लगभग 100-125 बैठके किए सारे समाजों के साथ और यहाँ पर जितने समाज है उन सब के प्रमुखों के नाम से वन बन रहे हैं। अग्रवाल समाज का अग्रसेन मन, हमारे दलित भाइयों का बाबा साहब अम्बेडकर मन, हमारे गुरु नानक
भगवान गुरु नानक देव जी का वन, हमारे सिख समाज का, इसे सब समाज के 10-10 हजार के वन के क्लस्टर बन रहे हैं। हमारी चिंता इसी बात की है कि पेड़ तो लग जाएंगे, इनको लगातार वृक्ष बने, इसके हम साल भर जवाबदारी लेंगे। मुझे कहते हुए गर्व है, हमारा जिला प्रशासन आशीष सिंह जी के नेतृत्व में, नगर निगम की टीम, पूरे पार्षद जिस तरीके से इसको मिशन मान के काम कर रहे हैं, मैं चाहता हूँ आप तालियां बजाकर उनका एक बार सबका अभिनंदन कर रहे हैं। मैं आश्वस्त करना चाहता हूँ मुख्यमंत्री जी आपके सामने और भूपेंद्र जी आपके सामने, इंदौर आपने भी आज आपके महापौर जी को बुलाया कि इंदौर आकर देखो कैसी सफाई है। हम क्लीन इंदौर के लिए सारा देश देखने आता है, ग्रीन इंदौर के लिए भी सारा देश देखने आएगा, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। हमने जब इस अभियान की शुरुआत की तो वन विभाग से हमें हाईलाइट ग्रुप के पेड़ मिले। मैंने अधिकारियों से पूछा इनका सर्वाइवल रेट कितना, बोले बहुत मेहनत करेंगे तो 50%। मैंने कहा हमको तो 100% चाहिए, तो बोले 5 फुट के पेड़ लाइए, 90 से 99%। बजट बहुत बड़ा था, हमने इंदौर की जनता से अपील की आप हमें 5 फुट के पेड़ दीजिए। लगभग 20 से 25 करोड़ के पेड़ इंदौर की जनता ने इंदौर के लिए दिए हैं, ये जन भागीदारी का सबसे बड़ा उदाहरण है। और इसलिए यह अभियान इंदौर में तो हो रहा है ताकि सारे देश को एक तरीके से देश के लिए उदाहरण बनेगा। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, मैं उनके यहाँ मंच से चरण पर वंदन कर रहा हूँ, कल जिस प्रकार उन्होंने इंदौर के कार्यकर्ता और इंदौर की जनता के मनोबल बढ़ाने के लिए पत्र लिखा है, हम नतमस्तक हैं। एक बार प्रधानमंत्री जी के लिए जोरदार दोनों हाथ ऊपर उठाकर तालियां बजाकर स्वागत करें। मैं ज्यादा लंबा समय नहीं लूंगा, मैं सिर्फ माननीय भूपेंद्र जी, माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी दोनों को आश्वस्त करना चाहूंगा कि 51 लाख पेड़ लगे हैं, इसका हम संरक्षण भी करेंगे और अगले साल 51 लाख रुपए की 51 लाख पेड़ लगाने की तैयारी अभी से प्रारंभ कर देंगे। ये 51 लाख पेड़ लगातार इंदौर में लगते रहेंगे जब तक ग्रीन कवरेज में इंदौर नंबर वन नहीं होगा। ये आपसे मैं आशीर्वाद चाहता हूँ आदरणीय मुख्यमंत्री जी, आप हमें आशीर्वाद देते रहिए, आपके नेतृत्व में ही मध्य प्रदेश ग्रीन कवरेज में नंबर वन होगा। मैं एक बार फिर से आपका अभिनंदन करता हूँ, आप सभी मातृशक्ति का अभिनंदन करता हूँ। लगभग 2000 से ज़्यादा माताएं अपने पुत्र के साथ, कुछ अपनी दिवंगत माता के फोटो के साथ आज वृक्षारोपण के लिए आए हैं। बहुत ही संवेदनशील, बहुत मार्मिक चिंता जब मैंने देखा, माननीय मोहन जी ने अपनी माता जी को पुष्पांजलि अर्पित की, मैंने अपनी माता जी को पुष्पांजलि अर्पित की। निश्चित रूप से प्रधानमंत्री जी का ये अभियान लोगों के दिल को छूने वाला है। एक बार फिर से मैं प्रधानमंत्री जी का, भूपेंद्र यादव जी का और माननीय मुख्यमंत्री जी और विशेषकर हमारे मेयर साहब का अभिनंदन करना चाहूँगा। दोनों हाथ ऊपर आकर तालियां बजा दीजिए प्रधानमंत्री जी से लेकर मेयर साहब तक। बहुत बहुत धन्यवाद भारत। हम सबका सौभाग्य है देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने पर्यावरण दिवस के अवसर पर देश में 140 करोड़ पौधे लगाने का आह्वान किया और एक पेड़ मां के नाम अपनी मां की स्मृति में और उसकी अच्छी आयु के लिए उस अभियान को
सब ने